सूर्य सिद्धांत के 16वें भाग में आपका स्वागत है। अब हमें श्लोकों से हटके भी कुछ बातें करनी होंगी। कुछ अंश ऐसे हैं, कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ वस्तु ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं कि जिनको अब एक बार चर्चा कर लेना है, जिनके बारे में विचार कर लेना है। इन विचारों का आधार क्या है, हम ये एक श्लोक देखने के बाद हमें स्पष्ट हो जाएगा। मध्यमाधिकार नाम है इस अध्याय का। मध्यमाधिकार ऐसे क्यों नामकरण किया, एक दर्शक का सवाल भी था, और वह मध्यम क्या था, और यहाँ कौन सा ऐसे मध्यम को आचार्य बताना चाह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं ये। इन अंशों को इस समय में विचार करना पड़ेगा। क्यों विचार करना पड़ेगा? एक शब्द आया था बीच में जब हम विचार कर रहे थे, भगन। पिछले एक भाग में यह शब्द आया था, भगन नामक यह शब्द आया था। इस शब्द को हमने तमाम अर्थों के बीच में एक अर्थ वहां लिए थे। कौन सा लिए थे? पौष्णान्ते भगनः स्मृतः। ग्रह का जो चक्कर होता है, कहाँ पर पौष्णान्त से लेके फिर पौष्णान्त तक भ्रमण करते हुए ग्रह आएगा, तो उतने एक समय को, चक्कर को हम भगन कह रहे थे वहाँ पर। अब इस मध्यमाधिकार में सूर्यांश पुरुष उन्हीं भगनों को बताने जा रहे हैं, किंतु हम इन भगनों को पहचान नहीं सकते हैं। इन भगनों के बारे में हम जान नहीं पाएंगे यदि हम कुछ बातों पर विचार नहीं करते हैं। तो फिर उस विचार के लिए हम पहुंचते हैं पहले मध्यम शब्द पर। मध्यम, इसको यदि हम अंग्रेजी में समझ लें तो ये मीन, अथवा एक इस मध्यम को दूसरे तरीके से यदि हम समझना चाह रहे हैं तो औसतन, ये सब प्रक्रियागत अर्थ हैं। अर्थात इस मध्यम का अलग भी अर्थ हो सकते हैं, इस मध्यम का प्रयोग अलग से भी हो सकता है अलग स्थानों में, किंतु ग्रहों के साधन के दृष्टि से, काल साधन के दृष्टि से, अथवा वर्तमान ग्रंथ सूर्य सिद्धांत के दृष्टि से इसको पहचानना होगा, इस मध्यम को जानना होगा। फिर उस मध्यम के साथ साथ यहाँ बहुत ऐसे शब्द आते हैं अगले कुछ श्लोकों में। बुध का शीघ्र, शुक्र का शीघ्र, चंद्रमा का पात, चंद्रमा का उच्च, इन सब के भगन बताने लगते हैं आचार्य। उदाहरण के लिए चंद्रोच्च, चंद्रोच्च के एक कल्प में इतने भगन हैं, अथवा चंद्रोच्च के एक महायुग में इतने भगन हैं। तो ऐसे कहने पर चंद्रोच्च क्या चीज है, चंद्रोच्च क्या हो सकता है, इस चीज को जानना बहुत अनिवार्य होगा। अन्यथा एक तरीके का तनाव, विषय के प्रति एक तरीके की अरुचि हमें पीछा करना चालू कर देगा। इसलिए हम यहाँ पर इन कुछ शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। उनको समझने से पहले अगले एक श्लोक को देखते हैं। उस श्लोक को देखने के बाद हमें यह समझ में आ जाएगा कि हमें इस पर विचार क्यों करना चाहिए, इन शब्दों पर विचार क्यों करना चाहिए। और वह श्लोक हैं, पिछले कड़ी में हम जहाँ रुके थे, पिछले भाग में हम जहाँ रुके थे उससे आगे का है यह 29वां श्लोक मध्यमाधिकार का। युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम, युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खचतुष्करदार्णवाः, इस श्लोक के प्रथम पंक्ति को युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खचतुष्करदार्णवाः, इसी एक पंक्ति को ही यदि हम देख लेते हैं तो हमें कुछ बिंदुओं पर विचार क्यों करना चाहिए स्पष्ट हो जाएगा। पहले चलते हैं यहाँ खचतुष्करदार्णवाः। ख
खा चतुष्का, खा यानी शून्य हुआ, चतुष्का यानी चार हुआ, खा चतुष्का। इसके बाद रद, रद यानी बत्तीस, अर्णव समुद्र। अब ऊपर चलते हैं, यहाँ कितना आया 45,20,000। फिर यहाँ चलते हैं युगे सूर्यज्ञ शुक्रानाम, माने युगे महायुग में कृत त्रेता द्वापर कलि, इनका जो समाहार है, जो 12,000 दिव्य वर्षों का जो समय है, उस युग में सूर्यज्ञ शुक्रानाम, सूर्य बुध और शुक्र इन तीनों के 45,20,000 होते हैं। क्या होते हैं? भगन। ये अगले पंक्ति में आएगा यह शब्द, तब भी इसको यहां विचार कर लेते हैं। पहले युगे सूर्यज्ञ शुक्राणाम खचतुष्क रदार्णवाह भगनाह भवन्ति। एक महायुग में सूर्य बुध शुक्र इन तीनों के खचतुष्क रदार्णव यानी 45,20,000 भगन होते हैं। भगन शब्द को हम देख चुके हैं, चक्कर। मैंने एक बार पौष्णांत रेवती के अंत से अथवा अश्विनी के प्रारंभ बिंदु से घूमते हुए अश्विनी के प्रारंभ बिंदु तक फिर आने के लिए जो समय लगता है वह भगन है। 12,000 दिव्य वर्षों के समय में, यानी आप याद कीजिए, ये बात वहाँ पर भी आया था, इत्थम युग सहस्रेण भूत संहारकारक करके जहाँ पर तद्वादश सहस्राणि चतुर्युग युग मुदाहृतम सूर्याब्द संख्यया द्वित्रि सागरैरयुताहतैः, इस श्लोक को, ये पिछले श्लोक हैं, उस श्लोक को आप ध्यान से देखिए। उन 12,000 दिव्य वर्षों को जो महायुग के हैं, यदि सौर वर्षों में देखते हैं तो 43,20,000 होते हैं। फिर यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक महायुग में सूर्य शुक्र बुध तीनों के भगन 43,20,000 होते हैं, यानी एक महायुग में 43,20,000 सौर वर्षों में 12,000 दिव्य वर्षों के समय में सूर्य बुध शुक्र ये तीनों 43,20,000 भगन पूरा करते हैं, यानी इतने बार उस चक्र को वो पूरा परिक्रमा करते हैं। यानी यहाँ से हम आंकड़ा चालू किए हैं प्रारंभ करना। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, कुजार की गुरु शीघ्रानाम, इसके अगली पंक्ति इसी से जुड़ी हुई है, किससे? खचतुष्कर अदार नवाह से। क्या कह रहे हैं, कुजार की गुरु शीघ्रानाम, कुजार की गुरु शीघ्रानाम भगनाह पूर्वयायिनाम, यहाँ यह शब्द भी महत्वपूर्ण है। पूर्वयायिनाम, कुजार के गुरु शीघ्रानाम, पूर्वयायिनाम सूर्यज्ञ शुक्राणाम भगनाह भवन्ति, यानी पूरब की ओर चलने वाले सूर्य बुध शुक्र के 43,20,000 भगन होते हैं। इसी प्रकार से पूरब की ओर चलने वाले कुजा अर्की गुरु शीघ्रानाम, यानी मंगल, अर्की यानी शनि, गुरु इनके जो शीघ्र हैं, यानी कुज का शीघ्र, शनि का शीघ्र और गुरु का शीघ्र, उसके भी इतने ही भगन होते हैं। श्लोक तो स्पष्ट हो गया, 29वां श्लोक मध्यमाधिकार का अर्थ समझ में आ गया। एक महायुग में सूर्य बुध शुक्र इन तीनों का और मंगल बृहस्पति और शनि के शीघ्रों का 43,20,000 भगन होते हैं। अब स्वाभाविक बात है, ये भगन क्या चीज़ होते हैं समझने के बाद हमें युग में कितने चक्कर होते हैं जानने की आवश्यकता क्या पड़ रही है, अथवा यहाँ शीघ्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसका क्या अर्थ है, और पूर्वयायिनाम करके इतने खास करके आचार्य बता रहे हैं, तो क्या पश्चिमयायियों के भी हम विचार करेंगे? पश्चिमयायी भी कोई चीज़ होते हैं? तो ये तो सवाल बहुत स्वाभाविक हैं, और उन सवालों को यदि हम क्रमशः देखते हुए नहीं चलेंगे तो ये विषय की असमंजस स्थिति बढ़ती चलती हैं। तो फिर यहाँ पर हम पहले मध्यम पर विचार करते हैं, मीन पर। मध्यम क्या हुआ? परमोच्च, माने परमाधिक और परमाल्प, इन बीचों का बीच का जो बिंदु हैं
वह हुआ मध्यम। यहाँ मध्यमाधिकार नाम जो दिया हुआ है इस अध्याय का, इसका अर्थ ही यह है कि हम हर वस्तु के, हर चीज के मध्यम मान निकालने के प्रयास करेंगे यहाँ पर। फिर मध्यम मान हम कैसे निकाल सकते हैं? एक व्यक्ति औसतन कितना भोजन करता है एक दिन में, ये कहने के लिए हमें उस व्यक्ति के एक महीने में अथवा दो महीने में अथवा एक वर्ष में जो भोजन करने की जो मात्रा है उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी, अन्यथा हम नहीं ले सकते हैं। यदि उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति एक किलो भोजन खाया, औसतन खाता है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? वो किसी दिन उस किलो से कम भी खाएगा और किसी दिन वो किलो से ज़्यादा भी खा सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर, यहाँ काल साधन में जिसके लिए ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, वहाँ पर भी एक मध्यम मान है। तो उस मध्यम मान का आधार क्या है? एक महायुग। और उस मध्यम मान का आधार क्या है? एक कल्प। आचार्य हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे भगन, भगनों की संख्या। यहाँ कोई छूटता नहीं है, हर एक ग्रह का और ग्रह से संबंधित हर एक स्थान के वो भगन बता देंगे। 12,000 दिव्य वर्षों में अथवा 43,20,000 दिव्य वर्षों में वो कितने चक्कर मारता है। जब 43,20,000 वर्षों में इतना चक्कर मारता है तो हमारे अभीष्ट समय में क्या, ऐसे करके हम आलू का मोल भाव जैसे करते हैं वैसे तो हम कर ही सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आलू लेने के लिए भेजते हैं तो वहाँ वो कहता है कि हाँ 5 किलो 20 रुपया है, तो मानिए उसको 2 ही किलो चाहिए, उसको 1 ही किलो चाहिए अथवा 3 किलो चाहिए, तब वो व्यक्ति क्या करेगा? उस 5 किलो के भाव के आधार पर उस 3 किलो का अथवा 2 किलो का वो भाव निकाल लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। यहाँ हमारे पास ठोस मात्रा है, काल की एक निश्चित मान है, हमने जिस घड़ी को बनाए हैं उस घड़ी के निश्चित सीमाएं हैं। वहाँ पर एक महायुग का जो कालखंड है, जो कल्प का एक भाग बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पिछले कुछ भागों में हम जैसे बात कर रहे थे कि कल्प नामक एक जो खंड बनाया है उसको ध्यान में रखते हुए आचार्य बनाए हैं, तो ये कैसे बताए? तो इस बिंदु पर हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता नहीं है, वह स्पष्ट हो जाएगा आगे। जिन उच्चों का, जिन पातों का और जिन मध्यम ग्रहों के हम बात करते हैं उसमें कुछ बिंदु ऐसे हैं जो एक महायुग के समय में पूरा एक चक्कर भी नहीं बना पाते हैं, उनके लिए एक कल्प नामक खंड को लेना आवश्यक है। वो समय आने पर अपने आप में समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मध्यम निकालना हमारा मकसद है, इस मध्यम के आधार पर हम अपने अभीष्ट ग्रह तक पहुँचेंगे। फिर मध्यम के लिए हमारे पास मान की अपेक्षा है, जैसे मैं कहा था 5 किलो का यदि 20 रुपया है तो उसके बाद आप 3 किलो का निकालिए, 2 किलो का निकालिए या 200 ग्राम का निकालिए, किंतु 5 किलो का यदि दाम ही नहीं है, 5 किलो का यदि दाम ही पता नहीं है, तो फिर आप 3 किलो या 2 किलो का कहाँ से निकालेंगे? यहाँ पर भी महायुग के प्रारंभ से महायुग के अंत तक हर एक खंड का, हर एक ग्रह का और ग्रह से संबंधित हर एक बिंदु का यहाँ पर वर्णन है, हर एक बिंदु का यहाँ पर मान दिया हुआ है। तो उस मान से हम बहुत स्वाभाविक रूप से हम रस निकाल सकते हैं, अभीष्ट ग्रह तक पहुंच सकते हैं। तो इस मध्यम को फिलहाल एक शब्द के रूप में देखते हैं, हमें मध्यम ग्रह का साधन यहाँ करना है। तो फिर मध्यम ग्रह के साधन करने के लिए हमारे लिए अपेक्षा क्या है, हमें क्या चाहिए? तो ये एक निश्चित अवधि के अंतर्गत ग्रहों के भगन चाहिए। तो यहाँ पर लिया हुआ निश्चित अवधि क्या है, उस श्लोक में स्पष्ट बताया है युगे, यानी एक महायुग में। ठीक, ये बात भी यहाँ स्पष्ट हो गया। फिर इस श्लोक में हमारे अर्ध से परे
कुछ बातें थी जिनका हम अभी विचार नहीं किए थे, वो कौन से हैं? यहाँ शीघ्रानाम एक शब्द है और पूर्वयायी नाम एक शब्द है। तो यहाँ ये जो शीघ्र बता रहे हैं, ये शीघ्र क्या है? शीघ्रोच। ग्रहों के साथ साथ ग्रहों के शीघ्रोच नामक बिंदु भी होते हैं उनके मार्ग में, वो भी चलते हैं। यानी हमें इन शीघ्रोचों का जो भगन है वो भी स्पष्ट ग्रह साधन के लिए आवश्यक हो जाते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं इसको अलग से विचार करना है। पहले हमारे ध्यान में ये रखना है कि आचार्य अब इस बिंदु से आगे हमें भगनों की संख्या बता रहे हैं और उन भगनों में शीघ्र भी आते हैं और उसमें पात भी आते हैं। तो यहाँ आ गया एक क्वेश्चन मार्क, पात क्या चीज है। इस पात के विचार करते करते हम दो सवालों के समाधान कर लेंगे। एक तो पात क्या चीज है ये समझ में आ जाएगा हमें, और पूर्वयायी नाम शब्द का प्रयोग क्यों किया आचार्य ये भी हमें समझ में आ जाएगा। पात संपात को कहते हैं, एक संपात बिंदु। संपात का हम अर्थ समझ रहे हैं जब दो ग्रहों के मार्ग जहाँ पर मिलते हैं उसको हम संपात कहते हैं। यहाँ पर हरेक ग्रह का जो मार्ग है वो सूर्य के मार्ग से कहीं ना कहीं कटते हुए चलेगा भूसापेक्ष देखने पर, तो वही बिंदु पात हैं। तो वो भी ग्रह का साधन करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ग्रह के साधन किस दृष्टि से करने के लिए? ग्रह को आसमान में देखने के लिए। फिर हम ग्रह को आसमान में क्यों देखें, ये भी एक सवाल है, इसको जीवंत रखना है। फिर यह पात अर्थात आसमान में ग्रह के मार्ग में जो बिंदु हैं, जो कटान बिंदु हैं, एक ग्रह का मार्ग और दूसरे ग्रह के मार्ग, दोनों का जो मिलन बिंदु हैं, ये पूर्वयायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम शुरू में ही प्राग्गतित्व मतस्तेषां वाले अर्थ में उस श्लोक में पश्चात व्रजंतोत जवान नक्षत्र सततं ग्रहाः, जहां हमने बात किए थे वहां पर भपंजर अर्थात सब कुछ पश्चिम की ओर तेजी से चल रहा है। तो फिर ग्रहों के ये जो पात नामक बिंदु हैं ये भी पश्चिम की ओर खिसकता है। इसलिए आचार्य इसको इंगित करने के लिए पूर्वयायी नाम कुजार के गुरु शीघ्रानाम पूर्वयायी नाम सूर्यज्ञ शुक्रानाम करके यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है। तो फिर इस भाग को हम यहाँ पर रोकते हैं इस बात के साथ कि एक मध्यम नामक वस्तु, एक शीघ्र और एक पात, इन तीनों को हम ध्यान में रखते हुए अगले कुछ श्लोकों में चलेंगे, जिससे वे श्लोक हमारे लिए बाधक नहीं बनेंगे विषय समझने में, वे साधक बनेंगे। फिर मिलते हैं अगले भाग में।